वीकेंड के वार के एपिसोड में करण कुंद्रा हुए इमोशनल, वहीं सिम्बा नागपाल को मिली बहुत सारी तारीफें होस्ट सलमान खान से। सलमान ने आते ही निशांत की कैप्टेंसी की तारीफ की, कहा अफसाना ने भी गेम को अच्छी तरीके से खेला क्योंकि गेम में सेल्फिश होना जरूरी है। साथ ही करण और प्रतीक के चोक स्लैम को लेकर प्रतीक की जबरदस्त तारीफ भी की गई। बाद में सलमान ने विधि डोनाल्ड के इवेक्शन पर भी बात की, जहां विधि के इवेक्शन को अनफेयर बताया गया और सभी के पास इवेक्शन के टाइम जो तीसरा नाम था उस पर चर्चा भी की गई, जहां सिम्बा नाम ज्यादातर लिया गया था। सलमान ने ईशान और उमर से पूछा कि क्या वो करण कुंद्रा के कहने पर गेम में चल रहे हैं। साथ ही सलमान ने करण से पूछा, क्या आप किंग मेकर ही बनना चाहते हो, क्या आपको किंग नहीं बनना। बाद में करण और प्रतीक का मुद्दा भी उठाया गया, जहां पर करण ने प्रतीक को चॉक स्लैम दिया था उस पर प्रतीक से सवाल किए गए, जहां प्रतीक ने अपनी दिल की बात सलमान खान को बताई। वहीं करण ने प्रतीक से माफी मांगी। जय को इस मुद्दे में तारीफ मिली क्योंकि जय ही थे कि उन्होंने करण के खिलाफ इसमें आवाज उठाई थी। बाद में जय को प्राइस मनी को जीरो करने पर सवाल किए गए, जहां जय ने इस मुद्दे पर सफाई दी। सलमान ने जय को बताया कि जो उन्होंने किया वो गलत था। फिर शुरू हुआ मंगल मीटर, जहां अफसाना ने गाना गाया, जहां सलमान ने पूछा भोली सूरत दिल के छोटे टैग किसको मिलना चाहिए और उन्होंने नाम दिया जय भानुशाली का। बाद में नायक नहीं खलनायक गाने का टैग दिया गया विशाल को और दंगल में सिम्बा और उमर की जोड़ी को बुलाया गया, जहां वर्बल दंगल और फिजिकल दंगल दोनों सिम्बा नागपाल जीत गए। जय और तेजा ने विशाल के खिलाफ बात भी की कि कैसे विशाल घर में सबको यूज कर रहे हैं और दूसरी तरफ करण इमोशनल होते हुए दिखे। फिर आई बारी गलतफहमी के गुब्बारों की, जहां जय विशाल निशांत प्रतीक अफसाना उमर तेजस्वी शमिता अकासा और सिम्बा के गलतफहमी के गुब्बारों को फोड़ा गया। बाद में आई बारी बुल राइड की, जहां घर वालों को आपसी सहमति से बताना था जो सदस्य बुल पे बैठा है उससे वो सहमत करते हैं यह असहमति, जिसमें बारी आई तेजस्वी अफसाना विशाल और निशांत की, जिनको बुल पर बिठाया गया, जहां तेजस्वी को जानबूझकर गिराया गया वहीं बाकी सदस्य को भी आपसी सहमति में ना आकर जानबूझकर गिराया गया। बाद में बारी आई एलिमिनेशन की, सलमान ने बताया कि इस हफ्ते कोई एलिमिनेशन नहीं है। बाद में जय ने शमिता को समझाने की कोशिश की कि वो समझे कि विशाल उनको यूज कर रहे हैं, घर में मनीष पॉल एज अ गेस्ट की तरह आए और अपनी कॉमेडी का तड़का लगाया। बाद में मनीष ने घर वालों को टास्क कराया, जहां जेलेसी की मिर्ची जय ने विशाल को दी, वही कुछ फोटोज दिखाकर उनसे पूछा गया कि वो क्या सोच रहे थे। वहीं करण उमर ईशान ने डांस करा, अकासा ने इनसिक्योरिटी की मिर्ची अफसाना को खिलाई और ऐसे ही ये टास्क चलता रहा। ऐसे में प्रतीक और जय के बीच में बहस भी देखने को मिली। बाद में हुआ कंपैटिबिलिटी टेस्ट ईशान और मायशा के बीच और अंत में मायशा ने अपने घुटनों में बैठकर ईशान को प्रपोज किया और दोनों को मिला एक हैम्पर जो घर वालों के साथ वो शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह वीकेंड का वार खत्म हुआ। बिग बॉस से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल देसी फीड वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।